वेलकम टू माय चैनल लर्निंग इंडिया। आज हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2। इन दैट फर्स्ट सम दे गिवन यू लाइक दिस वे कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जहां पे पी पॉइंट और क्यू पॉइंट, पी पॉइंट एबी का मिड पॉइंट है और इस क्यू डीसी का मिड पॉइंट है, करेक्ट। व्हाट वी हैव टू प्रूव, हम लोग को प्रूव करने का है कि एपीसीक्यू दिस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, दैट वी हैव टू प्रूव इट आउट। सो प्रूफ, इन प्रूफ व्हाट वी राइटिंग हियर, पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, करेक्ट। ये पैरेललोग्राम है, रीजन आएगा गिवन, दिया हुआ। एंड प्लीज सी दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि यहां पे अगर आपको पूरा एंड तक देखेंगे तो समझ में आएगा हाउ इट वर्क्स एंड हाउ क्विकली विल बी गेटिंग द आंसर्स आल्सो। नाउ व्हाट आई हैव रिटन हियर, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, दैट आई हैव रिटन हियर। द रीजन वी हैव रिटन हियर एज इट इज गिवन। तो अगर पैरेललोग्राम है इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर सेगमेंट ए बी विल बी पैरेलल टू सेगमेंट ए बी, देखो पैरेलल है डीसी को, करेक्ट। सेगमेंट ए बी विल बी पैरेलल टू सेगमेंट डी सी, रीजन यू ऑल नो इट इज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम क्या रहते हैं, हमेशा एक दूसरे को पैरेलल रहता है, इसलिए हम लोगों ने रीजन भी लिखा ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यू कैन राइट इट डाउन आर पैरेलल। तो ये हो गया हमारा ऑपोजिट साइड एक दूसरे को पैरेलल हो गया, इट इज लाइक दिस वे। तो इसका मतलब अगर ए बी एंड डी सी आर पैरेलल टू ईच अदर, सो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम वी कैन राइट इट डाउन एपी विल बी ऑल्सो बी पैरेलल टू क्यू सी, दैट ऑल्सो वी कैन राइट इट डाउन हियर। तो हम लोग लिखेंगे दैट मीन्स सेगमेंट एपी will be parallel to segment QC, correct? क्यों? क्योंकि अगर बड़ा लाइन अगर पैरेलल है तो जो छोटे छोटे लाइन रहेगा ये भी एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगे, करेक्ट। उसका रीजन क्या आएगा, ए डैश पी डैश बी तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे है, ए डैश पी डैश बी एज वेल एज डी डैश क्यू डैश सी, डी डैश क्यू डैश सी। So got the concept clear here? Instead of writing big line here, we can write it on small, small line. These small lines are also parallel to each other. And reason we have to write it down, A dash, P dash, B and C dash, D dash, Q dash, C. That is the reason we have to write it down. And let that be my equation number 1 here. Isko hum log equation number 1 pakadte hain. Ye ho gaya parallels. अभी पैरेललोग्राम का और एक प्रॉपर्टीज क्या है, बोथ द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, और यू कैन से दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, दैट इज ऑल्सो वी राइटिंग इट डाउन हियर। वी राइट इट डाउन सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट व्हाट इट इज ए बी, किसको इक्वल है डीसी को, डीसी रीजन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम हमेशा 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 ही इक्वल रहेगा, नहीं तो कॉन्ग्रुएंट रहेगा, दैट इज कंपल्सरीली। सो वी रिटर्न योर सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डी सी, रीजन वी रिटर्न योर ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यू कैन से दे आर कॉन्ग्रुएंट। नाउ अभी P पॉइंट देखो गिवन में क्या दिया था, P एंड Q मिड पॉइंट है सेगमेंट ए बी एंड डी सी का, द सेम थिंग विल बी राइटिंग इट डाउन ऑन द राइट हैंड साइड नाउ। सो व्हाट विल बी राइटिंग इट हियर कि हाफ ऑफ सेगमेंट ए बी, देयरफॉर हाफ ऑफ सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ सी डी ऑल्सो,
करेक्ट, ए बी था इक्वल सी डी को, तो उन्होंने क्या किया, ए बी का आधा भी सी डी का आधा को इक्वल होएगा, रीजन लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय हाफ, यानी हाफ से हम लोग ने क्या किया, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया, तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, दैट यू रिटर्न योर रीजन ऑल्सो रिटर्न योर मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय हाफ. Now next point, what will be writing here? So according to the diagram, half of AB is what? AB ka aadha kya ho jata hai? It is length AP, that you all know, because P is a midpoint. That will write it down. Half into length AB is what? AB ka aadha kya hai? AP hai, length AP. Reason likhenge P is a midpoint. P is midpoint of segment AB. P देखो midpoint है segment AB का, मैं तो दिया हुआ है. वैसे ही half into length CD is equal to what? It is length CD का आधा क्या? हम लोग QC लिख सकते हैं. तो length QC. Reason we can write it down. Q is midpoint of segment. किसका Q midpoint है? Segment CD का. CD. Till you got the concept here? Half of AP is equal to what? It is AP. The reason we have written here कि P is a midpoint of segment AP. इसको हम लोग equation number, we can put it as equation number 2 here. टू लेते और जो नीचे वाले थे इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 लेंगे. करेक्ट, यू गॉट इट लाइक दिस वे कि हाफ ऑफ सी डी इज व्हाट लेंथ क्यू सी एंड इट इज रीजन वी रिटर्न योर क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट सी डी दैट वी पुट इन योर एज इक्वेशन नंबर 3 और ऊपर वाले को हम लोग ने इक्वेशन नंबर 2 पकड़ा. इसका मतलब अगर आप लोग देखेंगे हाफ ऑफ सी डी का मतलब क्यू सी है और हाफ ऑफ ए बी का मतलब ए पी है, तो इसके जगह पे इंस्टेड ऑफ हाफ ऑफ ए बी एंड हाफ ऑफ सी डी व्हाट वी गॉट इट हियर, वी कैन पुट दिस एंड दिस हियर, सो वी कैन राइट इट डाउन. देयरफॉर लेंथ ए पी इज इक्वल टू लेंथ क्यू सी. करेक्ट, लेंथ एपी किसका किसको इक्वल होएगा, एपी और क्यूसी दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो अगर इफ लेंथ एपी इज कॉन्ग्रुएंट टू लेंथ क्यूसी वी कैन राइट इट डाउन एंड द रीजन आल्सो वी कैन राइट इट डाउन फॉर्म 1, 2 and 3 फ्रॉम 1, 2 and 3. करेक्ट, सो वी हैव रिटन द रीजन आल्सो एज 1, 2 and 3 and let this will be my equation number 1. Correct? Segment AB is congruent to segment DC था, उसको हम लोग equation number 1 पकड़ते. See, segment AB is congruent to segment DC, यह हमारा equation number 1 है. तो वैसे ही हम लोग ने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय हाफ किए थे, तो हाफ ऑफ एपी हो गया एपी, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, हाफ ऑफ सीडी हो गया लेंथ क्यूसी, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3. सो फ्रॉम 1, 2 and 3 व्हाट वी आर गेटिंग हियर, लेंथ एपी इज इक्वल टू लेंथ क्यूसी, दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग हियर. तो अगर कोई भी अगर कोऑर्डिनेटर में दो अगर ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल है एंड एज वेल एज अगर ऑपोजिट साइड एक दूसरे को पैरेलल भी होता है तो क्या हो जाता है, इट बिकम्स अ क्वाड्रिलेटरल. एंड लेट दिस विल बी माय इक्वेशन नंबर 4. सो व्हाट वी राइट इट डाउन, इन क्वाड्रिलेटरल एपीसीक्यू हम लोग लिखेंगे लेंथ एपी किसको इक्वल था, लेंथ क्यूसी को, रीजन लिखेंगे फ्रॉम 4 करके. चार नंबर हम लोग ने लिए,
AP और QC इक्वल है करके, करेक्ट। वैसे ही लेंथ AP, लेंथ AP भी पैरेलल है लेंथ QC को, करेक्ट। लेंथ AP भी किसको पैरेलल है, लेंथ QC को, दैट ऑल्सो यू कैन राइट इट डाउन हियर। सो अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, वी कैन राइट डाउन द फाइनल आंसर, अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। समझ में है, जब कभी भी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है और एक दूसरे को अगर पैरेलल रहता है तो फिर क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। देयरफॉर आवर फाइनल आंसर विल बी क्वाड्रिलेटरल एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम, दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट इट डाउन इन द फाइनल आंसर। दिस पॉइंट यू हैव टू राइट इट डाउन, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम, करेक्ट। सो लाइक दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 1 ऑल्सो। So this is the final answer what I have marked in the green color, therefore quadrilateral APCQ is a parallelogram, that is what they have told us to prove and we have proved it also. Now we will see to the next question. So question number 2, they are given to you like this way, using opposite angle test for parallelogram, we have to prove that every rectangle is a parallelogram. So we are given us like this way that it is a rectangle. So written here, given quadrilateral ABCD is a rectangle. We have to prove that it is a parallelogram also. Very easy it is. It is based on the theorems only what we are doing it earlier. So if you have not seen my theorem, you can go to the playlist and you can watch my theorems also. So we'll see how it works. It is very easy. First we'll write it down quadrilateral ABCD. Is a parallelogram. यह हम लोग पहले देखेंगे, रीजन आएगा given. यह हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद is a rectangle. ABCD is a rectangle, it is given. So you all know the properties of rectangle. What it is, all the angle measurement is of 90 degree each. So write it down, next point, therefore angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90 degree. That we will write it down here. And the reasons we can write it down, angles of a rectangle. So I am writing here, angles of rectangle. Har ek angle जो एक रेक्टेंगल का रहता है उसका मेजरमेंट 90 डिग्री ही होता है, इट इज कंपल्सरी। सो व्हाट विल डू नाउ, विल सी एंगल ए एंड एंगल सी, दीज आर ऑपोजिट एंगल एंड ऑपोजिट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री ईच, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी कॉमा एज वेल एज एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। यहां तक समझ में आया बच्चों, दोनों जो ऑपोजिट एंगल्स है उनका मेजरमेंट कितना है, 90 डिग्री है, तो फिर हम लोग इसका रीजन भी लिखेंगे, ईच मेजर 90 डिग्री, एंगल ए का भी 90, सी का भी 90, इधर बी का भी 90 डिग्री, एंगल डी का भी 90 डिग्री, सो ईच मेजरमेंट इज ऑफ 90 डिग्री। देन वी राइट इट डाउन, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम इफ ऑपोजिट एंगल्स
आर कॉन्ग्रुएंट, करेक्ट। जब कभी भी ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहता है तो फिर ये गिवन क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। दैट्स इट, गॉट द आंसर ऑल्सो। तो देखा कितने स्टेप में आंसर हो गया, 1 2 3 4, चार स्टेप में हमारा आंसर खत्म। जब कभी भी ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहता है तो ये पैरेललोग्राम है। सो वी हैव प्रूव्ड दिस वन ऑल्सो एंड वी हैव कंप्लीटेड अवर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नाउ।